बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ये मेरे YouTube चैनल लिगिनास किचन में आने के लिए। आज हम बनाएंगे चिकन और लौकी की सब्जी। चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ। 1.5 kg चिकन लेग बोनलेस, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। 2 अदद छोटे साइज की लौकी, अगर आपकी बड़ी है तो आप एक भी ले सकते हैं। 2 अदद मीडियम साइज के प्याज, इनको रफली चॉप कर लिया है। 2 अदद बड़े साइज की ग्रीन चिलीज, इनको इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया है। 1 फूल लहसुन का, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। धनिया 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 8 अदद, इनको भी फाइन चॉप कर लिया है। नमक 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून और कुकिंग ऑयल। और 2 लार्ज साइज के टमाटर, इनको रफली चॉप कर लिया हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन और लौकी की सब्जी। सबसे पहले हम लौकी को पील कर लेंगे। अब इसका टॉप उतार लेंगे इस तरह से, इसके 2 पीस कर लेंगे। फिर से मिडल से 2 पीस करेंगे। एक पैन में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। अब इसको थोड़ी देर पका लेंगे। प्याज हल्का सा सुनहरा हो गया है, बस इतना कलर देना है हमने। जब इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें ऐड करेंगे टमाटर, हरी मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, मिक्स कर लेंगे। लिड बंद करके पकने के लिए छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, अब इसमें ऐड करेंगे लौकी। थोड़े मोटे मोटे चंक्स में मैंने लौकी को कट किया है, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। अब इसका लिड बंद कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से लौकी हमारी गल गई है अच्छी तरह से। अब इसका पानी ड्राई होने, लौकी के अंदर बिल्कुल मॉइस्चर थोड़ा सा रह गया है और लौकी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। इसको रखेंगे एक साइड पे, तो चिकन को शैलो फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में ऐड किया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, 1 पिंच हल्दी और 1 पिंच नमक। मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन पकना शुरू हो गया है। ये देखिए इसने अपना पानी भी रिलीज कर लिया है। अब इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें चिकन हमारा शैलो फ्राई हो गया है। इसके ऊपर लाइट ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं जो बहुत ही दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है तो हम ऑयल यूज़ नहीं करने जा रहे। चिकन को ऐड करेंगे लौकी के अंदर। मिक्स कर लेंगे। अब इसे मज़ीद पका लेंगे 10-1 मिनट।
अल्हम्दुलिल्लाह चिकन और लौकी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, आधा आधा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन और लौकी की सब्ज़ी बहुत ही लजीज तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।